नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमको मंडे को कैसे ट्रेडिंग करनी है। और मंडे का दिन होने वाला है आपका 30 की छुट्टी, 30th की छुट्टी, देन 31st की छुट्टी, 1st ऑफ अगस्त। बहुत बेहतरीन, 1st ऑफ अगस्त उसी दिन मंडे, उसी दिन आपकी वीकली कैंडल की शुरुआत होगी जो आगे बननी है। आज मंथली कैंडल वीकली कैंडल दोनों क्लोज हुई है। फिलहाल मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ मंडे को हमें कैसे ट्रेडिंग करनी है। बाकी डिटेल्ड वीडियो एक बनेगी जो कि वीकेंड पे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का हमारा क्या व्यू था, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। लेवल मैंने आपको दिए थे 17,100 निफ्टी के लिए, 37,800 आपका बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे रहता है तो सेल करना है, इसके नीचे रहता है तो सेल करना है, इनके अबव अगर जाता है तो आपको बाय करना। ये सुबह सुबह हमारा व्यू बन गया था जब हमें बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला। तो यहाँ पे ओपनिंग होती है, शुरुआत करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी से ही। ओपनिंग हमको मिलती है 37,750। तो यहां से किसी ने अगर सेल का ट्रेड लिया हो तो नीचे जो आज लो लगा है वो लगा है 37,250। ये जो 500 पॉइंट का फॉल है, ठीक है, इसमें से आपने अगर हाफ भी कैप्चर किए 250 तो इट मींस आपने एक अच्छा ट्रेड लिया, ठीक है। आप सारे पॉइंट नहीं कैप्चर कर सकते, ठीक है। तो ये एक बढ़िया हमारे लिए चीज रही। दूसरा, अब निफ्टी की बात तब करेंगे, फिलहाल हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस अपना मंडे के लिए कर लेते हैं। देखने वाली चीज ये है दोस्तों, आज फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन हमको क्या मिली है पूरे वीक की, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आज के दिन टॉप लगा है, ठीक है, फ्राइडे के दिन टॉप लगा है, ये सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी, आज के दिन हाईएस्ट हमको हाईएस्ट क्लोजिंग मिली, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एज पर गैन रूल, जो गैन उस्ताद के रूल है, नेक्स्ट वीक में ये टॉप कटना चाहिए और एक हाई बनना चाहिए, ये गैन उस्ताद के रूल है। जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने इस वीक बनाया, उसने लास्ट वीक में आपको दिखाता हूं, जैसे ये आप इसे बड़ा कीजिए, ठीक है, ये आपकी फ्राइडे की कैंडल, ये आपकी थर्सडे की कैंडल, ये आपकी वेडनेसडे और ये ट्यूसडे मंडे को जो हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये 5 कैंडल हैं, ठीक है, ये इस वीक की है। अगर आप इनको निकाल दें तो आपकी ये लास्ट फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका मंडे। तो जो पिछला वीक गया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, उसमें भी आपको फ्राइडे को ही क्या मिला, टॉप मिला और हाईएस्ट क्लोजिंग मिली, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे को तो मार्केट नीचे रहा, बट उसने इसी विद इन दिस फ्राइडे ये टॉप काटा जो यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, ये टॉप काटा ये वाला और एक हाईएस्ट क्लोजिंग आज दोबारा से हमको फ्राइडे को दे दी। हालांकि कैंडल कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं है बैंक निफ्टी की, ठीक है, पर आप इंट्राडे मूव देखेंगे तो लास्ट में अच्छी खासी बाइंग हुई है। हाफ एन आवर का चार्ट अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे ये पूरी गिरावट थी जो यहाँ से नीचे की तरफ आई और फिर लास्ट में एक अच्छी खासी थोड़ा सा हमें अपमूव देखने को मिला और ये 37,500 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब। तो मंडे का जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है दोस्तों, ठीक है, मंडे का जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है। बाकी एक मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, इसको मैं मिटाता हूँ। ये जो दो यहाँ मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं इनकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जो डिटेल एनालिसिस जिसमें मंथली वीकली चार्ट और ये जो गैप क्रिएट हुए हैं, क्या ये गैप भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या ऐसा लेवल रहेगा, वो मंडे के जो डिटेल्ड वीडियो आएगी जो वीकेंड में कल या परसों में डालूंगा उसमें अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पे मंडे को क्या ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में, आपको मंडे के लिए क्या करना है बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी में मंडे को क्या करना है आपको, आपको एक लेवल मार्क रखना है जो कि हमने अभी इंट्राडे बेसिस पे निकाला है, जहां पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। आप
हाफ एन आवर का चार्ट लगाइए, ये जो लेवल है बस इसके ऊपर ही आप बाय करेंगे, ये लेवल है 37,530, ये आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, दीवार पे, किताब में कहीं भी लिख लीजिए। इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आपको बाय करना है, आपका टारगेट ये टॉप है, ये टॉप क्या है 37,750, बस ये इसके आसपास आपको कर लेना है प्रॉफिट बुक, ये 250 से 300 पॉइंट का आपको ट्रेड लेना है, एंड बी ऑन सेल साइड बिलो 37,400 के नीचे जाता है आप सेल कर सकते हैं, आपका टारगेट है 37,250 पहला, और दूसरा नीचे की तरफ ये पहला टारगेट है 37,250, और तीसरा ये जो क्या कहते हैं थर्सडे का यहाँ पे ओपनिंग है 37,000, और इसके भी नीचे गया तो 36,800। तो कुल मिला के आपको जो मुझे बताना है वो ये कहानी निकली है बैंक निफ्टी की, ठीक है 37,530 इसके अबव बी ऑन बाय साइड, ठीक है, बट प्रॉफिट बुक एट 37,750। इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा, मैं घर वापस आ गया हूँ, आई विल बी एक्टिव ऑन मंडे। अगर 37,800 क्रॉस हो जाता है और होल्ड करता है वहां 10 से 15 मिनट तो हम दोबारा बाय करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 38,100, ठीक है, ये कंडीशन तब है जब ये लेवल क्रॉस होता है 37,800, इसके ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाता है तब हम ये बाय करेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ आप सेल साइड में रहिए 37,400 बिलो, आपका टारगेट है 37,250 पहला, दूसरा टारगेट है आपका 37,100 के आसपास, ठीक है, तीसरा टारगेट है आपका 36,800 की लाइन, 800 से लेके 900 के बीच में, ये तीन टारगेट के लिए आप बिलो दिस लेवल सेल कर सकते हैं। तो मंडे को आपको बैंक निफ्टी को ऐसे ही प्ले करना है, ये आप यहाँ लाइन भी खींच के चल सकते हैं, इसी लाइन के बेस पे मैंने आपको ये ट्रेड बताया, जैसे ही यहाँ से टूटेगा, ठीक है, ये लेवल कम से कम 37,370 के आसपास आता है, बट ये यहीं से ब्रेक डाउन आ जाएगा इसमें, ठीक है, यहीं से ब्रेक डाउन आ जाएगा तो आप 37,400 इसको मान के चल सकते हैं। ये ब्रेक डाउन आएगा तो एटलीस्ट ये, ठीक है, असेंडिंग चैनल ही बन रहा है, तो ये जो ब्रेथ है, ठीक है, ये जो ब्रेथ है लगभग 200 से 300 पॉइंट, ये नीचे आपको श्योर शॉर्ट पॉइंट देगी देगी, इसलिए मैंने नीचे की तरफ आपको तीन टारगेट दे दिए जो कि मुझे लगता है आ जाएंगे अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन देते हैं तो। ऊपर की तरफ ये कंडीशन है 37,800, ठीक है। बाकी ब्रॉडर व्यू मार्केट का क्या है, क्योंकि मुझे लगता है अगर तेजी होनी है तो मंडे ऑब्लिक ट्यूजडे ये दो दिन तेजी हो सकती है, अगर हुई तो उसके बाद निफ्टी 500 से 600 पॉइंट का फॉल देने के लिए तैयार है, और बैंक निफ्टी आपका 1000 से 1200 पॉइंट गिरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। जो तेजी होनी है वो मंडे ट्यूजडे को ही हो सकती है, ठीक है। बाकी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ये गैप वैप जो भी मैंने स्टडी मैं करूंगा, अभी अभी तो सिर्फ मैंने मार्किंग की है इन चीजों की, ठीक है। तो ये दोस्तों टॉप पे एक ठीक ठाक, मतलब लास्ट में जो रिकवरी आई है उसकी, उसके बेस पे मुझे लग रहा है मंडे को एक बार मार्केट तेज रहेगा, मंडे को हो सकता है मार्केट तेज रहे, मंडे ऑब्लिक ट्यूजडे भी हो सकता है मार्केट तेज। अब आ जाते हैं हम अपना निफ्टी पे, निफ्टी में भी, निफ्टी में तो देखो दोस्तों चार गैप है, 1, 2, 3, 4, और इस तेजी से जा रहा है ये। अब अगर ये ऊपर जाता है, देखिए ये है इसका सबसे बड़ा बैरियर जिसकी हमने चर्चा करी थी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है भैया 16,800 से लेके 830, ये वाली लाइन है, ये बैरियर को पार करके ये ऊपर आया, ठीक है। अबे कम से कम इस लाइन को छूने के लिए जाए, यहाँ से छूने के लिए जाएगा, आज की डेट में आप मान लीजिए 17,200 के आसपास है, तो 250 से 300 पॉइंट की अगर तेजी ये मंडे ट्यूसडे को कर देता है, जो कि मुझे लगता है कि अब ये यहाँ तक आया है, तो 1, 2, 3 दिन,
तो 17,500 से लेके 500 के बीच में ये वाली लाइन को टच करने की कोशिश करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे और लेवल कौन से है, ये है 18,604 के आसपास, यह है 18,350 के आसपास, यह 18,114 के आसपास। अब दोबारा जब इसने ये जैसे यहां से इसने 17,000 ये 16,000 नीचे आके 16,800 क्रॉस किया, तो 16,800 क्रॉस करके इसको टच करने के लिए आया, फिर नीचे आया इसने 16,800 क्रॉस किया तो फिर उसको टच करने के लिए ऊपर गया, ये नीचे आया तो यहाँ 16,800 क्रॉस नहीं किया तो नया लो बनाया, दोबारा ऊपर आया 16,800 का बैरियर इसने क्रॉस किया तो ये जाएगा इसको टच करने के लिए, ठीक है। यहां से फिर एक फॉल आना चाहिए और ये लेवल रिटेस्ट होना चाहिए दोबारा 16,800 के लगभग, वहां से फिर इसका ब्रेकआउट आने के चांसेस है, जो एज पर मैं अभी एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ, बाकी मंडे ऑब्लिक ट्यूजडे का मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट को समझने के लिए, ठीक है, मार्केट को समझने के लिए। तो अब निफ्टी में मंडे को हमें ट्रेड कैसे करना है, मंडे के दिन हम निफ्टी को ट्रेड कैसे करेंगे, लेवल है दोस्तों 17,170, 17,170, इसके अबव आप बाय करेंगे, इसके बिलो बाय नहीं करना है, इसके बिलो बाय करने का लेवल फिर 17,025 के आसपास ही है, 17,000 जहां से आज घूमा है, ठीक है, आज हमारा 17,100 बिलो सेल का लेवल था। अगर आप हाफ एन आवर का चार्ट लगाते हैं, ये देखिए, इसको हटाते हैं, ये 30 मिनट का चार्ट लगा लिया दोस्तों, ठीक है, तो 17,120, ये हाँ करेक्ट, 17,120 ये मार्क करिए दोस्तों, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ऊपर रेजिस्टेंस क्रॉस करने पे, जब तक आपका 17,120 ये सलामत है, ठीक है, बी ऑन बाय साइड इसके ऊपर रहे, बाय साइड में रहिए, आपके टारगेट है 17,220, 17,280, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, और 17,350 से लेके 17,400 तक, ये तीसरा आपका टारगेट बनेगा, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, आप बाय साइड ही प्ले कर लिए मंडे के लिए, ठीक है, 220, 280, 350 से 400 के बीच में यहां पे कर लीजिएगा प्रॉफिट बुक, जैसी 350 के आसपास आए बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, उसके बाद बाय साइड में नहीं रहना है आपको, निफ्टी ऊपर जाता है जाने दीजिए, 17,350 से लेके 17,400 के बीच में प्रॉफिट बुक है, मस्ट बुक है, इसके बाद निफ्टी ऊपर जाता है आप जाने दीजिए, आप मत पार्टिसिपेट करिए उसमें, ठीक है, आप मत पार्टिसिपेट करिए। अब आता है नीचे 17,100, अगर ब्रेक होता है, अगर 17,100 ब्रेक होता है, बी ऑन सेल साइड टारगेट रखिए 17,025, बस ये जोन में ये नहीं एंटर करेगा, यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, ये लेवल है 17,025, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, सेल साइड में इतने ही पॉइंट है आपके 70 के आसपास, ठीक है, 70 के आसपास, ये इसके बीच में अगर 10 यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, होगा क्या, अगर ज्यादा ही बेयरिशनेस रहती है तो 17,000 को ब्रेक होने दीजिए, 17,000 को ब्रेक होगा तो ये गैप फिल करने के लिए आ जाएगा, आपका टारगेट फिर 16,930 हो जाएगा, फिर पूरा गैप फिल करने के लिए आएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है, सेल साइड ओनली बिलो 17,100, बी ऑन बाई साइड अगर आपका 17,020 सलामत रहता है। मेरा व्यू, पर्सनल व्यू क्या है मंडे के लिए, मुझे तेजी ही दिख रही है मंडे को तेजी ही हो सकती है, और ट्यूसडे को भी मार्केट ऊपर खुल सकता है, ठीक है, चलो ये मंडे को पहले मुझे लग रहा है तेजी है, मंडे को तेजी होने देते हैं, जो मेरा व्यू है वो यही है, लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए है, तेजी मैं निफ्टी में बिल्कुल नहीं प्ले करूंगा अगर निफ्टी 17,100 के नीचे रहता है।
ठीक है, बैंक निफ्टी में मैं तेजी बिल्कुल नहीं प्ले करूंगा अगर वो 17,400 भी नीचे रहता है तो। व्यू मेरा तेजी का है, दोनों के लेवल मैंने आपको पोस्ट कर दिए, 17,120 नहीं ब्रेक होना चाहिए, 37,530 इस लेवल के ऊपर ही मैं बैंक निफ्टी में तेजी प्ले करूंगा। ये मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और वीकेंड का एनालिसिस बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, काफी कुछ है उसमें डिस्कस करने के लिए। ये जो उचक उचक के जैसे कहीं आपको फ्लैट में सीढ़ियां नहीं होती हैं, इतने गैप बना के जो ऊपर गया हुआ है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ वीकेंड में करूंगा अच्छे से। क्या कंडीशन रहेगी अगर एक गैप फिल करने के लिए आता है तो, उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं और मार्केट का एनालिसिस कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने गैप बना के ऊपर जाना सस्टेन करने की निशानी नहीं होती, ऐसे लगता है कि कुछ जल्दी से छूना है फिर धड़ाम से नीचे गिरना है। बाकी उनकी चर्चा करेंगे, वो लेवल्स कब एक्टिवेट होंगे कि जिससे हम ये काउंट कर सकते हैं कि हाँ ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मंडे को कैसे ट्रेड करना है मैंने अच्छे से समझाया आपको, छोटे से एसएल के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।